भाई अगर संडे है और 12 बजे तक नहीं सोए तो क्या संडे है? 5 मिनट और सो। सो मैं फाइनली उठ चुका हूँ एंड जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम प्रणय कपूर है एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। अभी बाहर बहुत मस्त बारिश हो रही है। अब क्या है, आज संडे है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट संडे इज़ आपको बाहर जाने का बहुत अच्छा और बहुत सारा टाइम मिल जाता है। एंड जब से पेंडेमिक हुआ है इट्स वेरी ओकेजनल, क्योंकि काम में घर से कर रहा हूँ, इट्स वेरी ओकेजनल कि मैं बाहर जाता हूँ। सो आई मेक श्योर फॉर अ चेंज मैं एवरी वीकेंड बाहर जाऊँ एंड आई एम लकी इनफ दैट आई कैन टेक यू गाइज विद मी। तो काम ख़त्म करते हैं एंड फिर मैं आपको मिलता हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार एंड अभी मैंने प्लान किया है कि मैं मरलाइन देखने जाऊँगा, तो वो ओपन में ही है। आई एम थिंकिंग कि जब तक मैं पहुँचूँ तब तक बारिश बंद हो जाए तो सही रहेगा। अब मरलाइन जो है इट्स प्रीटी फेमस आउट हियर एंड इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस कि आप सिंगापुर आते हो तो आप उसको देखते ही देखते हो। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं अभी फेरो पार्क जा रहा हूँ जो कि उधर के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पहुँच के मैं आपको वो स्टोरी के बारे में बताता हूँ। So, अभी हम लोग फेरो पार्क आ चुके हैं एंड आप लोग नोटिस करोगे इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। दैट्स बिकॉज ये सिंगापुर का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है एंड यहाँ पे संडे को आए हैं, प्लस कोविड चल रहा है तो टूरिस्ट भी नहीं है। उन दोनों वजहों की वजह से ये काफ़ी एम्प्टी है बट इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस। अब यहाँ से मैं मरलाइन की तरफ जा रहा हूँ एंड उस स्टोरी की भी बात करता हूँ, तो मैं आपको स्टोरी सुनाते हुए चलता हूँ। मास्क पहन लेता हूँ, रास्ते में हम बात करते हुए चलते हैं। तो स्टोरी ये है कि मलेशिया के एक प्रिंस थे जिनको उनकी प्रजा बहुत सराहती थी एंड इवेंचुअली वो एज अ किंग क्राउन हुए। वंस ही वाज क्राउन्ड एज किंग, उन्होंने डिसाइड किया यू नो ही नीड्स टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। फिर एक दिन वो अपने लोगों के साथ शिकार पे निकले हुए थे कि उन्हें एक चट्टान दिखी जो कि बहुत ऊँची थी। इस एक्साइटमेंट में कि उस चट्टान की दूसरी तरफ क्या है, उन्होंने जल्दी उस पर चढ़ाई कर ली। चढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरी तरफ देखा तो उन्हें समुद्र के उस पार एक आइलैंड दिखाई दिया। उन्होंने अपने लोगों को तुरंत एक्सपेडिशन में तैयार किया और वहां से रवाना हो गए। समुद्र के बीच में जब वो जा रहे थे तब मौसम बहुत अच्छा था, पर एकदम से मौसम बहुत ख़राब हो गया और उनके शिप को एक अजीब से क्रिएचर ने भी घेर लिया था। उन्होंने अपना सारा सामान शिप के बाहर फेंक चालू कर दिया। जब मौसम फिर भी सही नहीं हो पा रहा था और उनका शिप डूबने वाला था, तब उन्हें लगा शायद उनको अपना प्रीशियस क्राउन जो है वो उतार के समुद्र में एज अ भेंट देना पड़ेगा ताकि समुद्र उनको रास्ता क्रॉस करने की परमिशन दे दें। तो एज अ गिफ्ट उन्होंने वो चीज़ की, उन्होंने तुरंत अपना क्राउन उतारा और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद कहते हैं कि मौसम सही हो गया एंड दे वर एबल टू क्रॉस द ओशन। फिर उसके बाद वो आइलैंड पर पहुंच गए एंड वहां पे उन्होंने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने चीज़ें अनपैक करी एंड आइलैंड को डिस्कवर करने लगे। सडनली वो थोड़ी आगे गए थे, देर डिस्कवर्ड कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शेर था एंड दे गॉट प्रिपेयर्ड कि क्योंकि वो भी एग्रेसिवली इनकी तरफ देख रहा था, तो ये दी गॉट प्रिपेयर्ड कि अब शायद इससे लड़ना पड़े या इसको मारना पड़े। तो जो इनको लीड कर रहे थे, जो इनके किंग थे, ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बट ही डिड नॉट अलाउ देम टू अटैक ऑन हिम। तो उसने और इनके बीच में कहते हैं कि एक दूसरे को देख रहे थे एंड सडनली शेर को रियलाइज़ हुआ दैट इट्स ओके, दे आर नॉट देयर टू डू एनी हार्म एंड वो वहाँ से चले गए। उस टाइम ही गॉट फीलिंग दैट दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉस्परस एंड इवेंचुअली दे नेम्ड इट एज सिंगापुरा विच इज़ नाउ नोन एज सिंगापुर। हम भी यहाँ पे आ गए बात करते करते, पता भी नहीं लगा। द स्टोरी बिहाइंड मरलाइन इज़ क्योंकि सिंगापुर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिशिंग बैकग्राउंड है एंड पहली स्टोरी में दे हैव अ रिलेशन फ्रॉम ओशन एज वेल एज लायन, तो उन्होंने फेस जो था वो लायन का लिया एंड बेस दे टुक इट फ्रॉम अ मरमेड, दस इट इज़ नोन एज अ मरलाइन।